बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ आज हम बात करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम जेरे गौर हैं, बल्कि गालिब इम्कान तो यही है कि अंदरून खाना मुकम्मल तौर पर नाम का फैसला हो चुका है और ये नाम इत्तेहादी कायदीन अपनी मुशावरत में मुकम्मल कर चुके हैं या इस नाम को फाइनल किया जा रहा है। तो हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त निगरान वजीर आजम की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी साबक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सरफरिस्त है, जबकि उनके साथ साथ बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा असलम भौतानी भी इस दौड़ में शामिल है, जबकि साबक वजीर खजाना हाफिज शेख का नाम भी इन नामों में आगे है। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, इत्तेहादी कायदीन की तरफ से जो मौकफ सामने आते रहे हैं, उनमें कहा जाता रहा है कि इस बार निगरान वजीर आजम सियासतदान होगा, तो फिर इस दौर में जो टॉप पर मौजूद है उनमें शाहिद खाकान अब्बासी और असलम भौतानी का नाम सरफरिस्त है। असलम भौतानी आसिफ अली जरदारी के दोस्त और करीबी साथी हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई बात इत्माद साथी हैं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाहिल किया गया था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जगह पर 11.5 माह के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया था और शाहिद खाकान अब्बासी ने मुख्तसर मुद्दत में अपने आप को वजारत उज़्मा का अहल साबित किया था। अब चूंकि ये फैसला होने ही वाला है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त बहुत ज्यादा फेवरेट है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी गालबन इस मुतालिक अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। ताहम ये फैसला चंद घंटों के अंदर या 1-2 रोज में होने वाला है, तो फेवरेट शाहिद खाकान अब्बासी और असलम भौतानी है। और अगर कोई IMF या दिगर सिस्टम के तहत अगर किसी को आगे लाने के लिए कोई ऐसा फार्मूला आता है तो फिर शायद हाफिज शेख इस मनसब पर बैठ जाएं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को निगरान वजीर आजम के लिए सियासतदान का ही होना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ उसको सियासतदान ही संभाला दे सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत ही संजीदा सियाने और बावकार सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद खाकान अब्बासी भी पिंडी की सियासत के बेहतरीन खिलाड़ी थे। वो सानिया ओजड़ी कैंप में शहीद हो गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी की सियासत का महवर
शानदार रहा। 35 साल से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, हर हालत में खड़े रहे, गिरफ्तारियां भी दी। और असलम बोतानी बलोचिस्तान के संजीदा और अच्छे सियासतदान हैं। बरकैफ इतिहादी हुकूमत इन दोनों में से किसी एक का फैसला करेगी, और अगर इन दोनों में से कोई भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो उन्हें पाकिस्तान की मुश्किलात को हल करने के लिए भरपूर मेहनत करनी होगी, और खास तौर पर गरीबों के लिए उन्हें रिलीफ देना होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।